हेलो कमांडोस, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझने वाले हैं जिसका नाम है स्टेथोस्कोप, और जो कि हर डॉक्टर के गले में होता है और हर मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है कि उसके गले में भी एक स्टेथोस्कोप हो। तो इसके पीछे की फिजिक्स को आज यहाँ पर हम समझने वाले हैं। बेसिकली तीन पार्ट होते हैं स्टेथोस्कोप के। पहला पार्ट होता है एक ईयर पीस, जो हेडफोन होता है कानों में जिसको लगाते हैं, उसके बाद एक ट्यूब होती है लंबी सी, और फिर होता है एक चेस्ट पीस जिसको हम चेस्ट में लगाते हैं। ओके, तो इसकी वर्किंग बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो पहला आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा बेब्स, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लीकेबल होते हैं। तो होता क्या है, जो चेस्ट पीस होता है एक ड्रम टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके एक पार्ट में एक मेम्ब्रेन लगा होता है जिसको हम डायफ्रेम बोलते हैं, और दूसरी तरफ का हिस्सा खाली होता है, एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम वेल कहते हैं। तो होता क्या है, जब भी हम डायफ्राम को हमारे चेस्ट से लगाते हैं तो चेस्ट की जो बीट रहती है वो क्या है, एक साउंड वेव है, और साउंड वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जिसमें कंटिन्यूस कंप्रेशन रिफ्लेक्शंस होते हैं। ओके, कंटिन्यूस वाइब्रेशन होता है, वही साउंड वेव होती है। तो जैसे ही हमने चेस्ट पर लगाया उस डायफ्राम को, तो डायफ्राम की जो मेम्ब्रेन है, एक डायफ्राम जो मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करती है। क्यों वाइब्रेट करती है, क्योंकि साउंड वेव्स उसको हिट करती हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव डायफ्राम होता है। तो जैसे ही साउंड वेव उसको हिट करती हैं वो वाइब्रेट करने लगता है, और उस वाइब्रेशन को जो अंदर वाली ईयर है, डायफ्राम के अंदर जो ईयर है जो ट्यूब में है, वो ईयर उसको डिटेक्ट कर लेती है वाइब्रेशन को, वो वाइब्रेशन उस ईयर के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। ओके, इतना क्लियर है। जो वाइब्रेशन हमारे हार्ट से निकला, जो साउंड बीट हमारे हार्ट से निकली, उसको डायफ्राम ने कैच किया और उसके बाद ट्रांसफ़र किया किसमें, जो ट्यूब के अंदर एयर है उसमें। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ होती है एम्पलीफिकेशन प्रोसेस। देखिए, हमारी हार्ट बीट की आवाज़ बहुत स्लो होती है, उसको एम्पलीफाई करना ज़रूरी है ताकि वो हमें अच्छे से सुनाई दे। तो आईपीस तक आते आते, डायफ्राम से आईपीस तक आते आते वो साउंड एम्पलीफाई हो जाता है। ओके, और एम्पलीफाई होने के लिए वहाँ पर कोई बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा होता है, केवल एयर होती है। तो यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स का काम आता है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक इक्वेशन होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी कि एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तो डायफ्राम का एरिया बड़ा रहता है, और जो आईपीस रहता है, आईपीस में भी एक डायफ्राम लगा होता है, बहुत छोटा उसका एरिया होता है। तो डायफ्राम का एरिया बड़ा, आईपीस का एरिया छोटा, तो एरिया में डिफरेंस आ रहा है, तो वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा। यहाँ पर एरिया ज़्यादा, वेलोसिटी कम, यहाँ पर एरिया कम, वेलोसिटी ज़्यादा। जैसे ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जो साउंड वेव्स हैं हिट करेंगे डायफ्राम को, तो वहाँ पर साउंड जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है। ओके, तो हमको एम्पलीफाइड साउंड यहाँ पर मिलता है आईपीस में। ओके, तो ये तो डायफ्राम की बात होगी। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो पीछे की ओर रहता है उसको हम वेल कहते हैं, जहाँ पर एक झिल्ली जो परत टाइप की नहीं लग रही थी, वो खाली रहता है, कौन जैसा स्ट्रक्चर रहता है, तो वो किस काम आता है। तो देखिए, हमारे हार्ट की जो बीट होती है वो हाई पिच होती है, काफ़ी हाई पिच होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है। जैसे कि हमको यदि हमारे ब्लड फ्लो को चेक करना है, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको चेक करना है, उसकी आवाज़ को सुनना है, तो वो बहुत ही लो पिच साउंड होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वेल रहता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं रहता, जिसमें डायफ्राम नहीं रहता, उसको हम अपनी स्किन पर रखते हैं। तो इस केस में अपनी स्किन ही डायफ्राम का काम करती है। ओके, जो वेल रहता, खाली रहता पोर्शन, उस पोर्शन के ऊपर हम स्किन को रखते हैं, तो हमारी स्किन ही डायफ्राम का वर्क करती है, और स्किन में जो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही माइन्यूट सा वाइब्रेशन होते हैं उनको भी वो कैच कर लेता है। ठीक है, और फिर से वही प्रोसेस होती है फ्लूइड मैकेनिक्स वाली, फिर से साउंड को वो एम्पलीफाई कर देता है, जिससे हम अपने कानों तक वो आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था, आई होप अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।